Brought to you by Techno Spark 20 Series Smartphones. I'm superhuman. जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ वो भी देखा जाएगा और इससे अच्छा हो जाए, बस गरीबों के लिए महंगाई कम हो जाए, यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय हम मौजूद हैं और ये चकिया कसारी मसारी का पोलिंग बूथ है, जो माफिया डॉन अतीक अहमद का ये पोलिंग बूथ उस एरिया में आता है जहाँ पर माफिया डॉन अतीक अहमद रहता था। आप देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स के इंतज़ाम है, पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं लोग। यहाँ पर वोट डालने सुबह से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा गली के अंदर है, इस वजह से लोग सीधा यहाँ पर वोट डालने आते हैं। और उसके बाद चूँकि सुबह से ही 7 बजे से ही लोगों का तांता लगा हुआ था, हालांकि दोपहर है इस समय, धूप की वजह से कम लोग पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इस पूरी जो क्षेत्र है यहाँ पर अतीक अहमद का एक वर्चस्व चलता था। और कहीं ना कहीं अब जो वोटिंग हो रही है यहाँ पर, देखिए आप किस तरीके से पुलिस भी तैनात है और पूरी तरीके से लोग यहाँ पर इस डेमोक्रेसी में इस उसमें साफ तौर से वोट डालने आ रहे हैं। और इससे पहले जो वोट पड़ता था वो अतीक अहमद के घर के सामने एक स्कूल था, वहाँ पर पड़ता था, लेकिन इस बार वो वहाँ पर वोटिंग सेंटर नहीं बनाया गया है। साफ तौर से ये माना जाता था, कहा जाता था कि अतीक अहमद उस समय अपने स्कूल को ही वोटिंग सेंटर बना लेता था, लेकिन ये चकिया का कसारी मसारी है जहां पर अब पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार वोट कर रहे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतज़ाम है और साफ तौर से पुलिस भी मुस्तैद है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर ये किया जा रहा है। ऐसे में धूप भले ही ज़्यादा बढ़ गई हो और माना जा रहा था कि इस बूथ पर ज़्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि साफ तौर से जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरीके से पूरे प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद की बातें हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं। चाचा, आपने वोट डाल दिया? ज़्यादा समझ नहीं लगा? नहीं, कोई समझ नहीं लगा। क्या क्या सोचा इस बार विकास और क्या क्या होना चाहिए दिमाग में? क्या हम बताओ क्या होना चाहिए? अब तो हमारी उम्र ख़त्म हो गई है, अब जो होना होगा वो भी हो जाएगा। जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ वो भी देखा जाएगा। अब इसकी उम्र के बाद क्या कहें, क्या जीना हमको, कब मरना है। तो यहाँ पहले भी नहीं पड़ता था? हाँ, हम यहाँ 2-3 चक्कर आ चुके हैं। तो देखिए चाचा थे, क्या नाम था आपका? मोहम्मद अय्यूब थे, कह रहे हैं कि हमने वोट डाल दिया है। क्या मुद्दे हैं वो उनके, वो अपने खुद जानते हैं और वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हर तरीके का। आपने वोट डाल दिया? आपका सविता देवी। क्या क्या मुद्दे आपने रखे दिमाग में कि इस बार होने चाहिए जब आपकी सरकार बने? आपने क्या उम्मीद लगाई है, किस तरीके की सरकार अच्छी चले, और अच्छा चल भी रहा है और इससे अच्छा हो जाए, बस गरीबों के लिए महंगाई कम हो जाए, यही चाहते हैं। इस जिस जगह पर इतना महंगा है गैस कि बहुत प्रॉब्लम होती है, मोदी से ये विनती है कि थोड़ी महंगाई कम कर दे गरीबों के लिए। ये आप भी आए वोट डालने? पहले यहाँ पर चूँकि अतीक अहमद का एक वर्चस्व रहता था, अब क्या अंतर लगा आपको इस बार? नहीं, अंतर कुछ नहीं है, उनके रहने ना रहने से कोई अंतर नहीं है। जिनको वोट देना है, जिनको देना है वो तो देगा ही, चाहे उनको दे, चाहे अपने समाज को दे, चाहे अपने भविष्य के लिए देता है, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए देता है कि आगे चल के उनके बच्चों के लिए अच्छा हो। ठीक है, पहले ये स्कूल के सामने लगता था जहाँ पर घर है, क्या पोलिंग स्टेशन बनता था? जी जी, अब वहाँ पर नहीं, अब नहीं, अब कई जगह बढ़ गए हैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े में, तो कई जगह पर ये बटे हैं और जिसको लेकर यहाँ पर लोग जो है लगातार आते हैं, लगातार जाते हैं। हम कोशिश करेंगे, कई और जो मुस्लिम महिलाएं हैं अगर उनसे बात हो जाए तो, लेकिन चूँकि लगातार जो है धूप है और ऐसे में कम लोग आ रहे हैं, हालांकि ये बूथ जो है वो बहुत मजबूत। ये बताइए क्या नाम है आपका? शकीला बानो। ये वोट डाल दिया? जी जी जी, डाल दिया। तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ठीक। क्या मुद्दे इस बार दिमाग में रखे हैं आपने वोट देते समय, क्या होना चाहिए? अब अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। हाँ, देखिए साफ तौर से बहुत कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे हैं वोटर, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, माना जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पर वोट डालने के लिए सबसे ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचते हैं।